सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे कवि अहमद पर एक जिम संचालिका ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के साथ ही अश्लील तस्वीर और वीडियो बनाकर 3 साल तक दुष्कर्म करता रहा, साथ ही मारपीट व गाली गलौज का भी आरोप है। FIR के मुताबिक आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर उससे परिचय बढ़ाया, फिर धर्म बदलने का भी दबाव बनाया। कैंट निवासी पीड़िता 2018 में ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही थी, उसने जिम भी खोला था। उसने पुलिस को बताया कि इसी दौरान उसे कवि मिला, जिसने खुद को हिंदू बताया और फिर बिजनेस पार्टनर बनने के बहाने उसे अपने साथ लखनऊ ले गया। आरोप है कि वहां धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया और फिर अश्लील तस्वीर और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार दरिंदगी करता रहा। एक मुकदमा सिविल लाइन थाने में पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक युवती द्वारा आरोप लगाया गया है कवि अहमद पर कि वो 2018 में इसके संपर्क में आया और तब से लेकर के बीच में कई घटनाक्रम का उसमें उल्लेख है, जिसमें चेन स्नैचिंग भी करने का है और मारने पीटने का भी है और नशीला पदार्थ खिला करके रेप की घटना का भी उल्लेख किया गया है। उसमें जो घटनाक्रम है काफ़ी लंबे ड्यूरेशंस के, कई डिफरेंट प्लेसेस का भी उल्लेख किया गया है। उन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए विवेचना की, उसमें एक तथ्य और भी उल्लेखित है कि उसके उनको धर्म परिवर्तन का प्रयास भी किया गया, दबाव भी डाला गया, तो ये सबसे गंभीर आरोप है उसमें, और जो लोग भी उसमें संलिप्त हैं सभी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसकी गंभीरता से विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई। हालांकि इस पूरे मामले में सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया और सफाई दी कि लड़की और मेरा लड़का सालों से एक दूसरे को जानते हैं और लड़की का घर भी आना जाना है, उसने लाखों रुपए मेरे लड़के से लिए हैं जिसको वापस ना करना पड़े इस वजह से साजिशन FIR कराई गई है। इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पूर्व विधायक का बेटा और पीड़ित युवती गाड़ी में झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। छुआ नहीं है इसको, ये सामने बैठी है, इसके मत्थे पे है चोट, ठीक।